हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी का एमडी टेक इंडिया के नए वीडियो में। और फाइनली हम लोग के पास आ चुका है हम लोग का न्यूली लॉन्च रेडमी वॉच 3 एक्टिव, जिसके साथ साथ हम लोग को ये मिला है वॉच 3 एक्टिव का एक ऑलिव ग्रीन कलर का स्टैंड, जो कि हम लोग को ऑफर में मिला था। इसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और इस रेडमी वॉच 3 एक्टिव का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो जैसा कि मैं बताया कि आज हम लोग आ चुका है ये Redmi Watch 3 Active, जो कि Redmi की तरफ से न्यूली लॉन्च एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और एक बहुत ही बजट रेंज में आता है। सरप्राइज आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग को ये फर्स्ट सेल का ऑफर मिला है ये Redmi Watch 3 Active ओनली ₹99 में। तो अभी हम जल्दी से आपको पहले इसको ओपन करके दिखा देते हैं कि कैसा दिखता है। कुछ इस टाइप का आप ये स्ट्रैप आता है, ये है आपका Redmi Watch 3 का ओनली ग्रीन कलर का स्ट्रैप। इधर से आपका लगाने का है। ये कैसे लगेगा सब चीज इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना लूंगा। तो अभी हम लोग इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको रखते हैं साइड में और आते हैं अपने वॉच पे, जिसका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। बट उससे पहले आप लोग को इसका बॉक्स दिखा देते हैं कि बॉक्स का कुछ ऐसा है। पीछे में से कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए, जैसे कि इसमें आपको 1.83 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें आपको 12 डेज का वाटर रेजिस्टेंट SpO2 मेजरमेंट और साथ साथ ब्लूटूथ कॉलिंग। और जो इसका प्राइस है वो आपका ऐसे तो MRP आपका लिखा हुआ है 6000, बट ये आपको 2999 यानी 3000 में आपको मिल जाता है। और आप इसको बाय कर सकते mi.com से। और साइड में भी इसे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं। तो चलिए हम करते हैं इसको ओपन। और ओपन करने के साथ ही साथ इसमें तो ये कैसे ओपन होगा। ओके, तो बॉक्स निकल गया। ये रहा वॉच, ये रहा इसका केबल, जो कि केबल कुछ आपको इस टाइप का पोको पिन के साथ मिलता है। तो आपको टैप निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा चार्जिंग के लिए। और इधर टाइप ए साइड चार्जिंग है, टाइप ए साइड का केबल दिया हुआ है। और जब पोको पिन वाले जो चार्जर्स दिए हुए हैं, तो ये आपका चार्जर हो गया। ये आपके कुछ कागजात जिसमें आपका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और फाइनली ये रहा हम लोग का वॉच, तो इसको निकालते हैं। और MI का ये चीज़ अच्छा था कि पूरा अच्छा से वेल पैक करता है। कोई भी आपका आइटम ले लीजिए, चाहे आपका वॉच हो, फोन हो, वो एक्सेसरीज हो, टीवी अभी तक टीवी को हम लोग ओपन किया नहीं कभी। ये है Redmi Watch 3 Active और इसका हम लोग ने ये वाइट कलर का मंगाया था, वाइट कलर वाला स्ट्रैप मंगाया था। इसके अलावा इसका एक ब्लैक कलर का भी स्ट्रैप आता है। तो हम करते हैं इसको चालू, और बट चालू कर इसको स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं। और जब तक ये बूट होता है तब तक हम लोग आपको इसका बैक दिखाते हैं कि इसका बैक कैसा है। तो इसमें आपको जो स्ट्रैप दिया हुआ है वो काफ़ी छोटा सा स्ट्रैप है, और ये एक कर्व स्ट्रैप है, जो कि आपको इसको ऐसे ही नॉर्मल को डाल के और इसको ये आप यहाँ पर दबा दीजिएगा तो ये आपका लॉक हो जाएगा। क्या कोई भी नॉर्मल वॉच की तरह नहीं हुआ। और ये जो है हम लोग को अपना डिवाइस ऐड करना है, तो हम लोग डिवाइस ऐड कर लेते हैं। और फिर इसको जो ऐप है इसे स्कैन करना रहेगा, हम लोग को इसको स्कैन करना है डाउनलोड करने के लिए। तो इसको स्कैन करके जो ऐप आया था वो था मी फिटनेस है, जो कि हम लोग के पास ऑलरेडी था। तो हम लोग बस इसमें जो है इसको लॉग इन करना होगा। और हम लोग सबसे लॉग इन था तो ओके, अब हम लोगों ने इसको स्कैन कर लिया था। और इसके बाद हम लोग को जो है यहाँ पर ऐड डिवाइस में जाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस में जाकर ये यहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करना रहेगा ऐड डिवाइस पे। फिर हम लोग इसको स्कैन भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसको डैट सर्च भी कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया Redmi Watch 3 Active।
और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो हम लोग को फ़ोन पे भी और इसको भी कंफर्म करना रहेगा कि हम लोग का जो डिवाइस है वो यही है कि नहीं। तो ये जो हो चुका है हम लोग का डिवाइस हो चुका है पेयर। हम लोग कुछ सेटिंग्स करना रहता है, ये सब जो है जो बैकग्राउंड परमिशन देना है आपका वो सब देना रहता है। तो इसको हम लोग डन कर देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी सब परमिशन दी हुई है। तो यहाँ पर कुछ ये बटन दिए जैसे कि साइड बटन है, ये वाला जो साइड बटन है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका विजेट्स है, जो कि कुछ इस टाइप का विजेट्स दिखता है। और उसके बाद ये क्विक कंट्रोल जैसे कि क्विक नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स, और यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इनकमिंग कॉल्स का भी है, हम लोग सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, एक छोटा सा अपडेट जो है वो यहाँ पर आया है। तो जब ये अपडेट हो जाता है यहाँ पर जैसे तो ये अपडेट हो रहा था, जब अपडेट होता था इसका आपको और भी फीचर्स दिखाया था। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि इसमें आपको ये दो पिन दिए हुए जो चार्जिंग वाले पिन थे, ये आपके पीछे पूरा सेंसर दिया हुआ है। इसमें ये चीज़ अच्छा है कि जो पूरा सेंसर है वो अंदर में है, कोई भी सेंसर ऊपर में नहीं है, यहाँ तक कि जो आप पिन है वो भी कोई तक से ढका हुआ, जिससे कि जो आपका स्वेट है या फिर कोई भी धूल लगता है वो इसमें नहीं जल्दी नहीं लगेगा। और यहाँ पर दो दो पिन देख रहे हैं, इससे जो है यूज करते हैं हम लोग इसको, इसका स्ट्रैप चेंज कर सकते हैं। जो ये ग्रीन वाला स्ट्रैप है इसको भी हम लोग चेंज करके आपको दिखाएंगे अगला वीडियो में। और इसकी क्वालिटी की बात करें कैसे क्वालिटी इसका अगला वीडियो में, ऐसे इस जो स्ट्रैप है इसका क्वालिटी हाँ ठीक है, अच्छा है पहनने में। अभी देखते हैं कि कैसे कितना कंफर्टेबल रहता है, कैसा रहता है। तो अभी जब तक ये अपडेट हो जाता है ओके। ऑलराइट, तो ये जो है हम लोग का डिवाइस भी हो चुका है अपडेट। तो अब आते हैं इसमें किसमें क्या क्या चीज़ होता है। ओके, ये ऑप्शन है अभी अपडेट नहीं रहा, रिकनेक्टिंग हो रहा था। और ये हो चुका है यहाँ पर हम लोग का डिवाइस अपडेट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत सारे क्विक फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर थिएटर मोड। और राइट, तो जैसा कि मैं आप लोग बता रहा था कि इसमें आपको ये थिएटर मोड देखने को मिल जाता है, जो कि आप जब इसको इनेबल कीजिएगा तो इससे आपका जैसे कि हम लोग अभी मूवी देखने जाते हैं तो बीच में कोई भी कॉल आता है तो उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है हम लोग मूवी एक्सपीरियंस में। तो उसको ये इनेबल कर गया, उसको इनेबल कर गया तो उतने टाइम के लिए आप कोई भी नोटिफिकेशन ये सब नहीं आएंगे, केवल आपका कॉल कोई भी आते तो आपको पहले ये वाइब्रेट करेगा, जैसे आपको पता चलेगा कोई कॉल आ रहा है के लिए आप यहीं से इसको डिस्कनेक्ट कर सकते, कुछ भी कर सकते। बाकी इसमें आपको और भी फंक्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको ये बटन प्रेस करेंगे इससे आपका मेन्यू खुल जाता है। अभी हमने कुछ सेटिंग्स की थी इसमें, जिससे कि हम लोग का लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है, ऐसे आप इसको यहाँ पर सेटिंग जाके इसका वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोग को। और उसके अलावा यहाँ पर आपको सेटिंग्स में रखने से जाइएगा तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मिल जाता है, जिससे कि आपका जो ये ऑटो लॉक है बाय डिफॉल्ट 5 सेकेंड्स का होता है, आप इसको अप टू 5 मिनट्स तक का ऑटो लॉक कर सकते हैं। ये 5 मिनट में ही ऑटो लॉक हो जाएगा, बट ये सब ध्यान रखिएगा इससे अगर बैटरी पर इफेक्ट करेगा, जितना भी सेटिंग्स चेंज कीजिएगा वो आपको बैटरी इफेक्ट करेगा। इसमें एक नया चीज़ है स्क्रीन ऑन फॉर, यानी कि आपका स्क्रीन है वो कितना देर के लिए ऑन रहेगा, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डबल टैप टू वेक, जो कि अक्सर हम लोग के मोबाइल में रहता है कि डबल टैप करते तो ये वेक हो जाएगा। इसको हम लोग ऑन किया, देखिए हम लोग का मोबाइल से कनेक्टेड था तो कुछ नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप आता है, हम लोग इसको ओपन ऑन फोन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम लोग का फ़ोन तो ओपन हो जाएगा। डिसमिस करते थे ऑटोमेटिकली वो डिसमिस हो जाता। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ये बैटरी है, जो कि इसमें बैटरी सेव ऑटोमाइजेशन जो भी आपका मोबाइल में वो ऑप्शन आते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें भी दिए गए, काफ़ी ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको ये लेआउट मिलता है जो कि लिस्ट और ग्रिड ऑप्शन रहता है, तो ग्रिड आपको दिखाते हैं। तो ग्रिड को आपको इस टाइप का दिखता है, जो कि आपका एक एप्पल वॉच इस टाइप का या सैमसंग वॉच के टाइप का रहता है। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद है वो लिस्ट वाला, तो लोग वापस इसमें लिस्ट कर लेते हैं। और इसमें सेटिंग्स में आप ऑन देख सकते हैं कि इसमें आपको तो पिन डालने का भी ऑप्शन है, जिससे कि जब भी आप इसको ओपन कीजिएगा यानी ऑन कीजिएगा तो आपको इसमें पिन डालना पड़ेगा तब भी ओपन होगा।
और सिस्टम में जाके भाई रिबूट पावर ऑफ कनेक्टिंग फोन फैक्ट्री से कब से लगता है। तब चलिए अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट इसका, जो कि इसका कॉलिंग टेस्ट। ऐसे तो इसमें आपको और भी बाकी सारे वर्कआउट्स, एक्टिविटी, हार्ट रेट, SpO2, स्पेस मॉनिटर, वेदर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, ये सब सारे फंक्शन मिलते हैं, फाइन फोन ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अब करते हैं इसका डायरेक्ट हम लोग कॉलिंग टेस्ट। ऑल राइट, तो हम लोग थोड़ा सा कुछ और सेटिंग्स इसका देख रहे थे। तो हम लोग को एक इसमें एक नया फीचर ये दिखा है, जैसे कि हम लोग जब इसका कुछ सेटिंग्स बजाएंगे तो आप यहाँ पर एक ड्रॉपलेट टाइप का ये ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है तो अगर बाई चांस ये आपका फीचर है क्लीनिंग वाटर का, कि अगर आपका जो है वॉच कभी आप लोग नहा रहे हो या फिर आप लोग कहीं भी कुछ जा रहे हो और बारिश का चांस आपके वॉच में कुछ पानी घुस जाए, तो इससे जो है ये फीचर से कुछ हद तक फाइन निकल जाता है, जिसको हम लोग कभी टेस्ट मौका में तो कभी टेस्ट करेंगे इसको करने का। और ऐसे के लिए हम लोग करते कॉल कनेक्ट, तो कॉल कनेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये कॉल्स वाले ऑप्शन पे जाना होगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ से नंबर डायल करेंगे और हम लोगों ने अपने मोबाइल नंबर से जो कॉलिंग सिम है उसको बाय डिफॉल्ट पर सेलेक्ट कर लिया था। और इसमें जो है आपको 20 लेटेस्ट आइटम्स शो करेंगे एंड लास्ट 20 कॉल्स ही शो करेंगे इस पे। तो जैसा कि बताया था कि इसमें जो है आपको कॉलिंग का फीचर्स मिल जाता है आपने भी सुना था, बट इसमें ये मुझे ये ड्रॉबैक लगा कि इसमें कॉल के टाइम जो है कोई भी कीपैड नहीं आया, जो कि मुझे थोड़ा सा बैक ड्रॉबैक लगा इसका, जो देना चाहिए था कि कॉल के टाइम भी अगर तो हम लोग कोई भी कस्टमर के कॉल कर रहे हैं तो आप इससे कर सकते हैं। ऐसे चलिए एक और नंबर हम लोग ट्राई करते हैं। हेलो, तो ये आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग इसका साउंड क्वालिटी भी काफी से आप लोगों ने उसका साउंड क्वालिटी सुना हो ना सुना हो, बट हम लोग को आवाज वो काफी ठीक लगा। ऑल तो थोड़ा सा कम है बट चल जाता है इस प्राइस में। तो ओवरऑल अब अगर मैं बात करूँ मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन सा कि मुझे ये वॉच कैसा लगा, और पीछे में देख सकते ये सेंसर्स जो है वो चल रहे हैं अभी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे कैसा है, तो ओवरऑल वॉच सही है, डिस्प्ले भी काफ़ी ठीक लगा मुझे, उतना कुछ लैग ये सब कुछ दिख नहीं रहा है। उसने कहा था कि स्क्रीन पर थोड़ा सा लैग आ रहा है, बट मुझे जो है उतना कुछ लैग दिखा नहीं। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कि इसका प्राइस क्या है, तो जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था इसका प्राइस है 2999, और ये आपको दो कलर्स में, ये वाइट कलर और एक ग्रे कलर का स्ट्रैप आता है उसमें मिल जाता है, और दोनों आपको mi.com पर मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जिसमें इस वॉच के साथ भी कंपेरिजन है। मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्मार्ट वॉच पड़े हुए हैं जिसका मैं कंपेरिजन जल्दी लेके आऊँगा, और साथ साथ ये जो रेडमी वॉच तरीका ऑलिव ग्रीन कलर का स्ट्रैप है जो कि हम लोग को ऑलमोस्ट फ्री में ही मिला। अच्छा, तो वॉच हम लोग को फ्री में ही मिला, ऑलमोस्ट फ्री में ही मिला था क्योंकि हम लोग का सिर्फ कूपन मिल गया था। तो इसी साथ जो है हम लोग आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तो आई होप आपको कोई वीडियो पसंद आया हो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी हो जाए।